हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपलीफिकेशन की एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हमारा सवाल है। देखिए, इसमें सारे ब्रैकेट्स हमारे यूज़ हुए हैं। यहाँ पे आप ब्रैकेट्स देखिए, जो बीच वाला ब्रैकेट है इसको हम लोग, ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है और इससे बड़ा वाला मतलब होता है जिसको हम मीडियम बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा होता है इसको हम लोग बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, यानी सबसे छोटा वाला उसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। तो हम लोग हमेशा फर्स्ट बीच वाले छोटे वाले राउंड ब्रैकेट से शुरू करते हैं। अब हम अपना सम्स देखते हैं। 2 माइनस ये सबसे बड़ा वाला, 3 माइनस मीडियम ब्रैकेट 6 माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगा 5 माइनस 4 माइनस 3, और ये सारे ब्रैकेट्स बंद हो गए। उसका 4 माइनस 3 के ऊपर एक बार है, यानी कि बार से पता चलता है कि हम लोगों को अपनी सॉल्विंग यहीं से शुरू करनी है। तो ये सारा आज एज इट इज़ आगे से सारा उतार देंगे, यानी कि 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 5 और 4 में से 3 गया, माइनस लगाया ना, तो 1 बचा। उसके बाद में सारे ब्रैकेट्स हम बंद कर देंगे। उसके बाद में इसको हम घटा के लिखेंगे, तो यानी कि 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 1 क्या होता है। अब हम छोटा, अब हम राउंड ब्रैकेट को देखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग ही सवाल चलेगा कि सबसे छोटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 माइनस 1 में 4 बचा। उसके बाद में हम अब आते हैं कर्ली ब्रैकेट, यानी कि मीडियम वाला ब्रैकेट, यानी 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 लिख दिया कोष्ठक के अंदर, यानी कि मीडियम वाला लगा दिया कर्ली ब्रैकेट और इसको बंद कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4, और ये एक दूसरा कर्ली ब्रैकेट आ गया, और उसके बाद में बड़े वाले से बंद कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 3 माइनस 6 में से 4 गया 2 बचा, और ये ब्रैकेट हमारा बड़ा वाला ये बंद हो गया। उसके बाद 2 माइनस 3 में से 2 गया 1, और लास्ट में 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये एक सॉल्विंग हो गई प्रॉब्लम। अब आप उसको धीरे धीरे समझिए। अब हम एक इसी टाइप का एक छोटा सा और भी सम ले लेते हैं, जैसे कि ये है सम। देखिए, 1 माइनस सबसे बड़ा ब्रैकेट, 1 माइनस स्मॉल मीडियम ब्रैकेट 1 माइनस, उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 1, और सारे ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। अब इसमें बार है, यानी कि हमें अपने बार से शुरू करना है। बार से जब शुरू करते हैं तो आगे एज इट इज़ उतार देंगे, और ये 1 माइनस 1 माइनस 1 में से 1 में से 1 गया, तो ये 0 बचेगा, और सारे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम सबसे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्विंग करेंगे, तो आगे ऐसे उतार देंगे 1 माइनस 1 माइनस ये मीडियम ब्रैकेट, और स्मॉल में से 1 माइनस में से 0 गया, तो 1 बचेगा 1। अब हम उस ब्रैकेट जो बचे, जैसे कि स्मॉल वाला तो राउंड ब्रैकेट तो अब इसमें ख़त्म हो गया, अब मीडियम और सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद में 1 माइनस 1 माइनस, अब मीडियम में से 1 माइनस में 1 गया, तो 0 बचेगा, तो 0, और अब मीडियम भी ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब हमने इसको सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि बॉक्स वाला ब्रैकेट, यानी उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद में 1 माइनस 1 में से 0 गया, तो 1, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये मैंने अभी आपको बता दिया है, तो आप ध्यान से समझिए, बाद में आराम से देख के तब आपको सब समझ में आएगा ठीक तरह से, क्योंकि यही छोटे छोटे सवाल और ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं पूछे जाते, छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो उसमें समझ नहीं आता कि कैसे करें जल्दी जल्दी में। इसलिए मैं आपको सिंपली जल्दी जल्दी करना बता रही हूँ कि क्या देख के जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।